to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata, hame pata hai. Ladies and gentlemen, what a match that was in Rawalpindi. Quetta Gladiators versus Peshawar Zalmi. Ek baar phir Quetta Gladiators ne जो है अपने आप को बड़ी मुश्किलों से लेकिन ज़िंदा रखा हुआ है सो फार टूर्नामेंट के अंदर. यू नो, उनको यू कैन नॉट जस्ट राइट देम ऑफ एज येट. हर मैच के बाद वो ये साबित कर रहे हैं कि अभी कम्प्लीटली बाहर वो नहीं हुए हैं. शायद और सारे जो ऑड्स हैं वो उनके अगेंस्ट ज़रूर हैं इस वक्त, लेकिन दैट वॉज सम चेज, एक हिस्टोरिक चेज, हाइएस्ट एवर चेज इन द हिस्ट्री ऑफ पी एस एल. काफ़ी रिकॉर्ड्स आज के मैच में बने हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. बट वॉट अ मैच दैट वॉज फॉर द रावलपिंडी फैंस. पहले एक दफ़ा पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है. आज के मैच के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर जो है दे आर नाउ एट नंबर 5, सो दे हैव 6 पॉइंट्स नाउ. 9 गेम्स खेली हैं, 9 में से 3 जीत के 6 पॉइंट्स के साथ क्वेटा अब नंबर 5 पर आ गए हैं. और उनका अब एक क्लोज मुकाबला होगा जी पेशावर जलमी के साथ और जी मुल्तान सुल्तान्स के साथ, क्योंकि ये दोनों टीम्स अब 8-8 पॉइंट्स के साथ जो हैं वो 3 और 4 पे हैं. जलमी जो हैं वो आज की जीत के बाद, आज की हार के बाद जो है ज़्यादा उनको नुकसान इतना नहीं हुआ जितना कि क्वेटा को होता अगर क्वेटा आज हारते. बट यही जो कमाल है जी पॉइंट्स टेबल का, और हर मैच में आपको नज़र आ रहा है सूरत हाल बदल रही है. जलमी जो हैं वो आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे, क्योंकि 241 करने के बाद भी अगर आप इस सिचुएशन में आ जाएं जब आपके हाथ से मैच निकला हुआ है और बॉलिंग भी आपके फेवर में नहीं जा रही, देन दैट बिकम्स अ रियली टफ वन टू डाइजेस्ट. बट देन अगेन बाबर आजम प्लेड अनदर ब्रिलियंट इनिंग्स, हम उससे भी बात करेंगे. कुछ जो है इस वक्त हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या हुआ है, हम अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने भी क्या देखा है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट हमारे हंगामा के इस पैनल के साथ. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन सलीम मलिक साहब, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन रन मशीन जी मोहम्मद यूसुफ साहब, और ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ साहब. जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम. ये मैच मैं तो थोड़ा सा अभी अब्जॉर्ब कर रही हूँ, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जीता जाएगा. बड़ा कन्विंसिंग रहा. आपको रन मशीन कहते हैं तो हम आपसे शुरू करते हैं जी. ये जो हमारे आज हमने बैक टू बैक 240 चेज हुआ है, स्कोर हुआ है दोनों तरफ से, डिड यू थिंक ये इस तरह एंड होगा मैच, सीइंग के फर्स्ट इनिंग्स में पेशावर जलमी लुक्ड सो स्ट्रॉन्ग एंड सो कम्फर्टेबल? ये होता कभी कभार है, ये रोज़ नहीं होता, लेकिन जिस तरह की इनिंग पहली इनिंग में हुई है, साइम और बाबर आजम ग्रेट इनिंग खेली दोनों ने. लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जेसन रॉय ने बिल्कुल ही उनकी बैटिंग को एक तरफ छुपा दिया है, लेकिन उनका जो क्रेडिट है वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि 60 बॉल पे 100 करना 176 के स्ट्राइक रेट से ये बहुत बड़ी बात है. 3 छक्के 15 चौके हैं. साइम अयूब का 217 के स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन इसने तो बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना कि दूसरी इनिंग में एक तो ये कि टारगेट भी सामने था कि हमने ये करना है, उसके लिए आपको 12 की या 13 की एवरेज शुरू से ही चाहिए थी. और विकेट जो थी वो बिल्कुल ही फ्लैट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं. जिस विकेट पर 480 रन बन जाएँ तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ही फ्लैट है. बॉलर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली. तो बॉलर्स के साथ तो वैसे बहुत बड़ी ज्यादती थी, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत थी टीवी के लिए, बहुत अच्छा था. जो लोग आए हुए थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि छक्के चौके ही चाहिए. तो इस मैच में बारिश हुई है छक्के चौकों की, और बॉलर्स की जो पिटाई हुई है. मैं तो कह रहा हूँ कि इस विकेट पे जो शहीन नसीम शाह ने बॉलिंग कर दी है, मैन ऑफ द मैच उसको दे देना चाहिए, क्योंकि उसने 4 ओवर से 39 रन दिए, सिर्फ 39 रन. अर्शद इकबाल को देखे 3.2 ओवर में 63 रन, 18.90 के स्ट्राइक. कमाल है, कमाल. ये तो अमेजिंग गेम है. बारह दोनों टीमों बहुत अच्छी खेली है, लेकिन ऑब्वियसली जो जेसन रॉय खेला है वो एक जीतने वाली इनिंग है, लेकिन किसी दूसरे की आप बैटिंग को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको भी माइनस नहीं कर सकते. सब ने बहुत अच्छा खेला है, जिस जिसने परफॉर्म किया है, विकेट चाहे जैसे भी है. बाबर आजम भी आज सेंचुरी की है, और सेंचुरी लूडो पे भी मुश्किल होती है.
तो कहीं भी आज इंसान खेल रहा है और उसने रन किए हैं, क्रेडिट जाता है साइम को भी और बाबर को भी, दोनों ने बहुत साइम ने तो बड़ा अच्छा नॉक खेला, ये वो तो प्रॉमिसिंग हमें नजर आ रही है। बाबर आजम को बड़ी जरूरत थी जी इस 100 की। वैसे लूडो पे 240 भी नहीं होता हो गया असल में देखें जी, इसमें कोई शक नहीं कि आज दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग की खेली, सैम ने और बाबर ने, मगर वो अक्सर मैं कहता हूँ ना, वो उसने सारी मिट्टी डाल दी है उनकी परफॉर्मेंस पे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद जो वो अकेला इनिंग खेल गया है, उसको मेरा ख्याल उसका क्रेडिट उससे आप इतना छीन नहीं सकते। 145 तो क्वेटा की पूरी टीम ने अपने 3-4 मैचेस में नहीं किया जितना कि आज एक यूसुफ कह रहे थे कि वो खेल के आया और उसने 100 किया। मुझे लगता है वो प्रैक्टिस करने गया था कि मैंने आगे इनको छोड़ना नहीं है कितना डेडिकेटेड प्लेयर है वैसे वो, मगर ये 240 स्कोर बड़ी बात है जी, क्योंकि सेकेंड इनिंग याद है आपको हमने कहा था कि सेकेंड इनिंग में मुश्किल होगी, जैसे हर मैच में यूसुफ भी कहते रहे, ड्यू फैक्टर तो था ही, आज फिर बॉलर फंस जाता है जी जब आपका कुछ ना हो रहा हो, वैसे भी फ्लैट विकेट थी, मगर 240 बहुत बड़ा स्कोर था। अब 12 की एवरेज को चेज करना, आई थिंक क्रेडिट जाता है उन दोनों प्लेयर्स को, हम उनका क्रेडिट नहीं छीन रहे, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, सैम ने बहुत अच्छा खेला, बाबर बहुत अच्छा खेला, मगर वो फिर मजाक में कहते हैं ना थोड़ा सा स्कोर कम थोड़ा सा 10 बोलों के हिसाब से ना लगाएं कितना कम 300 तक होना चाहिए आसिफ, आप 30 स्कोर कम हुआ मेरा ख्याल आप थोड़ी हमदर्दगी शो करें जी, बॉलर्स एज अ बॉलर क्या फील कर रहे थे आप जब आप मैच देख रहे थे? देखिए आप दोनों टीमों के बॉलर देखें, 10 बॉलर उन्होंने, 10-11 बॉलर यूज हुए, उसमें एक बॉलर क्लेवर नजर नहीं आया। एक अगर आपने बॉलिंग ठीक है, नो डाउट बैट्समैन का दिन था, बॉलर्स आपके पास क्लेवर बॉलर थे, जैसे वहाब चल रहा था, प्रीवियस बॉलर था, पिछले मैच में उसने 3 विकेट ली हुई थी, नो डाउट। आप थर्ड मैन, आई डोंट नो कि थर्ड मैन आपने ऊपर ले लिया वहां पॉइंट ऊपर, आप उनको बैक पे एक साइड पैक करके बॉलिंग कर सकते थे, आप इसका चांस ले सकते थे, अगर कुछ नहीं हो सकता था तो, कुछ नहीं हो रहा तो बॉलर अपने एक साइड पैक करके, एटलीस्ट आपको इतना चांस नहीं होता, इजी नहीं होता कि आपको एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट के ऊपर से हर बॉल चौका या छक्का लगे, तो कोई भी बॉलर ने ऐसी और दूसरा बाबर आजम डिफेंसिव मूड में थे, आप देखिए बाउंड्री पे खड़े होके आप टीम नहीं चला सकते, आपकी पोजीशन बाबर आजम और मोस्टली आप नजर आए कि वो बाउंड्री पे ज्यादातर फील्डिंग करते रहे, जिसका पूरा फायदा आप बॉलर्स के ऊपर आते, एक कुछ स्ट्रेटेजी बनाते, बॉलर के साथ खड़े होके आप बातचीत करते हो, नो डाउट एक बॉलर आपका कामयाब नहीं चल रहा, दूसरा नहीं चल रहा, तीसरा नहीं चल रहा, तो 1-240 करवाना नॉट इजी। और जिस तरह से क्रेडिट जाता है सैम अयूब को और बाबर को भी पहली इनिंग में, कि जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर स्ट्रोक खेल के, दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही कि सैम अयूब को आप ओपन करा रहे हो, पाकिस्तान टीम में तो आपकी एज ए ओपनर की तो जगह ही खाली नहीं है। चले वो शायद अभी आगे का नहीं सोच लेकिन अच्छा है कि कॉन्फिडेंस किसी एक ने तो ओपनिंग करनी है, वाइस कैप्टन और कैप्टन ने ओपन करनी है, तो सैम अयूब को उसका कोई और नंबर खिला दे ताकि उसको उस नंबर पे। आसिफ पीएसएल में 6 टीमें हैं, किसी ने तो ओपन करनी है ना यार, नहीं लेकिन बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था, कोई तो ओपन करेगा ना। आप 6 में अब ये है कि आपको अच्छा एक लड़का नजर आ रहा है कि वो अच्छे फॉर्म में है, आपको पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप ये देखें ना अगर वो स्कोर कर रहा है तो कल को आप पाकिस्तान को पता होएगा कि यार बेंच पे एक बंदा है जो अच्छा कर सकता है, अगर कोई भी ओपन करता है बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है वो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा फ्यूचर का प्लेयर ये मिल सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, क्लासी प्लेयर है, और हमने देखा है कि उन्होंने 1 डाउन भी जब आए हैं तब भी स्कोर किया है, अभी एज एन ओपनर भी अच्छा जा रहे हैं वो, लेकिन ओवरऑल बाबर आजम को भी आप थोड़ा सा मलिक साहब ने भी दिया है क्रेडिट, लेकिन ऑफकोर्स कभी कभी एज कैप्टन आपके हक में चीज़ें नहीं जा रही होती हैं, ख़ासतौर पर इस इन कंडीशन में जब बॉलर्स जो है वैसे ही जलमी की बॉलिंग इतनी वीक है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने खाली इस एस्पेक्ट पे स्ट्रगल किया है, उन विकेट्स पे भी जहाँ पे बॉल भी टर्न हो रही थी, जहाँ पे बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस थी वहाँ पे भी जलमी के बॉलर्स वीक रहे हैं, तो आज तो ज़रूरी उन्होंने होना था। सर कल के मैच में जो पिछला मैच जो खेले उसमें उनकी तरह बॉलिंग लगी थी कि उसमें बॉल जा रहा था, शायद विकेट में कोई हेल्प हो, अर्शद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वही बॉलर था आज जिसने सबसे ज़्यादा मार खा ली, ये हो जाता है। एक बार मुझे याद है कि हम लोग इधर मेरा पहला 100 था वनडे का अपनी लाइफ का, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में मैंने और एजाज भाई ने 100 किया था, हमने 315 रन्स किए उस वक्त, 315 रन्स वनडे में बहुत होते,
उन्होंने महे एक दो विकटों पे अप कर दिया था। तो बास का विकटें ऐसी होती हैं, बहुत फ्लैट होती हैं, बॉलर्स के पास कोई चांस नहीं होता। आपका कुछ भी बॉलिंग कर लें, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता बॉल। जितना भी क्लेवर बॉलर आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इस विकेट पे बचने के कोई चांस होते हैं। या तो बॉल रिवर्स हो रहा होता तो फिर चांस था। इस पे मेरा ख्याल रिवर्स भी नहीं हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। वो स्लोअर वन भी मारे थे, वो भी सीधा बैट पे आया, फेवर में नहीं जा रहा था बॉलर। हाँ, वो भी देखे ना, पहली इनिंग में तो कोई ड्यू फैक्टर नहीं था। आसिफ का बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है कि आप कैप्टन जो था मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा है, ये बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट है। बिल्कुल, कैप्टन तो वहां वो एक प्लेयर होता है जो करीब खड़ा होता है। ये गुड पॉइंट। चलिए, ओवरऑल ये मैच जो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, मुनफरिद रहा अपने उस एस्पेक्ट में। और एक और चीज़ जो बहुत मुनफरिद है जी, वो ये है कि ज़मीन.com जो है वो एक ऐसा ऑनलाइन रिटेल पोर्टल है जिसमें आपको बहुत सारे जो है टूल्स और फीचर्स मिलेंगे, और ये ख़रीदारों, सरमायाकारों, एजेंसीज, डेवलपर्स और हर ख़ास व आम के लिए एक बाएतमाद इदारा बन के उभरा है ज़मीन.com। आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे पोर्टल पे, 55 लाख से ज़्यादा उनकी मंथली विजिट्स हैं उनके वेबसाइट पे। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, और आप उनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें एंड वहाँ से यू कैन फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड, विच इंक्लूड्स सेल्स एंड मार्केटिंग एज वेल एज अदर प्रॉपर्टी एंड रिटेल रिलेटेड फीचर्स। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट व्हाट जस्ट हैपेंड इन रावलपिंडी एंड ऑफ कोर्स जेसन रॉय। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। बात कर रहे थे जी अभी जो ज़बरदस्त हिस्टोरिक रन चेज हुआ रावलपिंडी में, उसके बारे में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव फाइनली वन अ गेम अगेंस्ट अ टीम दैट इज़ नॉट कराची किंग्स। तो एक ज़बरदस्त उनके लिए एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस था पूरी टीम के लिए, नॉट जस्ट इन द फैक्ट कि दे वन दिस मैच, बट द मैनर इन विच दे वन इट। इट वॉज नॉट एन ईजी वन टू विन। 241 वो चेज कर रहे थे, तो हाइएस्ट सक्सेसफुल चेज हुआ है जी PSL की हिस्ट्री का, और फोर्थ हाइएस्ट ओवरऑल T20s में। तो बड़े रिकॉर्ड्स आज बने, वी विल टॉक अबाउट दैट। बैटिंग की खैर हमने आज बड़ी बात की है, बट बॉलिंग के ऊपर थोड़ी अगर हम बात करें, नसीम शाह के स्पेल किस तरह यूसुफ भाई ने उसको एक्नॉलेज किया, और हमें थोड़ी मज़ीद उस पर बात करनी चाहिए कि जहाँ पे आसिफ हर बॉलर की इकॉनमी जो थी वो 11-12 पे थी और एवरेज पूरे मैच की यही इकॉनमी रही है, उस मैच में नसीम शाह ने जो स्पेल कराया है 9.75 की इकॉनमी के साथ, अच्छा स्पेल ये ज़रूर याद रखा जाएगा उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरह से उसने स्टार्ट किया ओवरऑल नसीम अशरफ, आप देखे थ्रू आउट द PSL वो अच्छी बॉलिंग, अच्छा स्टार्ट ले रहा है। नो डाउट समटाइम वो विकटें नहीं ले रहा अर्ली, और वो जिस तरह का उसका बॉल स्विंग होता है उतना वो अगली टीम को डैमेज नहीं कर रहा, उसको और चीज़ें बहुत बेहतर करनी होंगी। और क्वेटा की जिस तरह से पुअर फील्डिंग हुई थी, अपना उन्होंने अपने बॉलर्स का बिल्कुल साथ नहीं दिया। आप देखें ओवरऑल चारों तरफ जब बॉलिंग जा रही थी, स्पेशली जो बाउंड्रीज पे फील्डर खड़े थे उनके तरफ से कैच ड्रॉप हुए, फिर नसीम शाह ने खुद इजी कैच ड्रॉप स्टार्ट में किया, तो वो इस वजह से वो इतना बड़ा टोटल सेट करने में हो गए। मगर देखें 10-11 बॉलर यूज हुए दोनों टीमों की तरफ से, और एक्सपीरियंस बॉलर है। देखिए अब मैं पहले भी कल बात कर रहा था कि उस्नैन को आपने 3-4 साल से टीम के साथ ही ऑलमोस्ट चल रहा है, वो टूर कर रहा है, मगर उस तरह की वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा कि एक तरह की कंसिस्टेंट एक्सपेंसिव हो रहा है वो स्नैन। उनके साथ वर्कआउट करना चाहिए, नसीम शाह और चीजें बेहतर कर सकता है। तो ये हमारे यंग जो लॉट आ रही है इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपने T20 अगर क्रिकेट ज्यादा हो रही है तो उसके लिए आप रेडी हो, आप हर वक्त वही 40-45 की एवरेज रख के तो आप हर मैच तो नहीं खेल सकते। फिर यंगस्टर पीछे से और 2-4 यंगस्टर आ रहे हैं तो आपकी जगह ले सकते हैं, ये भी उनको ख्याल रखना चाहिए। और उनको स्पेशली यॉर्कर की बॉलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्लोअर वन की करनी चाहिए। आप आज ट्रबल में आ गए थे, जिस तरह से बाबर खेल रहा था उसने चारों तरफ अच्छे स्ट्रोक खेले हैं, तो आप ये इसका मतलब आप जल्दी 4 मिनट होते हैं आपके पास ओवर कंप्लीट करने के। आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है इनको जल्दी क्या थी।
जी आसिफ, अभी आपने हसनैन की बात की कि वो कितने सालों से टीम के साथ हैं, लेकिन वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ सकी जो कि बाकी बॉलर्स में हमें नज़र आई, एक दो सीज़न जो खेल चुके हैं मुसलसल, तो उनके साथ थोड़ी बैड लक भी क्योंकि हसनैन के साथ रही है इंजरी की वजह से, फिर उनके जो बॉलिंग एक्शन उनका रिपोर्ट हुआ, रीमॉडल हुआ, ये भी एज अ बॉलर बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आपको इस तरह के बैन से वापस आना पड़े विदाउट यू नो सम प्रॉपर एक्सपीरियंस। जी देखिए, हसनैन की अगर आप स्पीड देखें तो वही है जो वो पहले से स्टार्ट कर रहा था, एक्शन से पहले भी कर रहा था और टीम के साथ भी है, आपके साथ कोचेज लगे हुए हैं, तो अब वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए ना। आप तीन चार लेकिन साल इसमें गलती किसकी आप कह रहे हैं, बॉलर की अपनी एंड पे गलती है या ये आपको लगता है ये मैनेजमेंट की गलती है? दोनों की गलती है। उसको कोई बिठाए, उसके साथ जो एज ए बॉलिंग कोच लगा उसको बताते क्यों नहीं है कि यार अगर आप हर वक्त एक्सपेंसिव ही रहते हो, आपके फिगर नीचे लेके आओ, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करो। उमर तो एक्स्ट्रा एफर्ट नजर नहीं आ, उनके साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनसे बेहतर कौन है होगा उनको बताने के लिए? देखिये उमर गुल, आप T20 में इतना एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो इन स्विंग रिवर्स स्विंग भी करते रहे तो उनको थोड़ा सा उनके हेल्प करनी चाहिए। इतने बड़े रन टोटल बोर्ड पे लगे हो तो रिवर्स स्विंग बॉल क्यों नहीं हुआ, ये भी उनको वर्कआउट करना चाहिए था। और देखिए स्नैन की इतनी अच्छी पेस है, उसको यार्कर ले बॉल यार्कर लेंथ पे बॉल करने चाहिए थे। आपने जो लास्ट ओवर होते हैं आपके वो लेंथ बॉल वो जो होता है उसको बड़ी अच्छी हिटिंग हिट मारने को बन जाती है लेंथ बॉल। आखिरी ओवर में आप इतना काम नहीं होता, आखिरी ओवर में आपने लोअर फुल टॉस, लो यॉर्कर, फ्लोर वन, ये चीजें बहुत अभी तक उसमें नजर नहीं आई स्नैन। मेरे ख्याल ड्यू फैक्टर की वजह से आसिफ ये T20 में मुश्किल हो जाता है रिवर्स स्विंग। मेरा ख्याल है आप बेहतर समझते हो कि जब स्लिम भाई वो पहले बॉलिंग कर रहे थे एक्चुअली, उस वक्त तो मेरा ख्याल नहीं कि बॉल गीला नजर आया होगा, नहीं फिर सेकंड टाइम में हो सकता था। फिर भी 6 बजे के बाद तो मेरा ख्याल कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है ना, ड्यू फैक्टर थोड़ा सा तो आता ही है। मगर आप ठीक कह रहे हो, मगर उसके थोड़ी सी मेरा ख्याल है वो शॉर्ट पिच बॉल ज़्यादा करता है जो देखने में नज़र आया ना जी। ये आसिफ चूँकि बॉलर है बेहतर उसको अच्छी नज़र से देखती है अपने बॉलिंग की वजह से, मगर वो ज़्यादातर शॉर्ट पिच बॉल ज़्यादा करने की कोशिश करता है जो मैंने देखा है कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो है। मगर इस मैच में तो मेरा ख्याल है किसी हर बॉलर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। पिटोरी को अगर आप देखें उसने भी 10 की एवरेज स्कोर दिया, नो डाउट, और नसीम शाह और उसके दोनों में कोई फ़र्क नहीं था, उसने 10 की एवरेज दिया, उसने ऑलमोस्ट 10 की एवरेज दिया है, तो ये दोनों को क्रेडिट मेरे ख्याल इस इनिंग में देना चाहिए कि उन्होंने 40 स्कोर दिया दोनों ने। बाकियों को मार पड़ी है, वो अब हर बंदे को ही मार पड़ी है। यूसुफ भाई क्या इस पे आप अपना इनपुट देंगे? यहाँ पे सारे के सारे बॉलर्स ही एक्सपेंसिव थे, आई थिंक आज सारे बॉलर्स बड़ा मायूस होकर वापस होटल गए होंगे कि क्या हुआ है उनके साथ। देखिए वैसे देखा जाए तो थोड़ी ज्यादती भी है बॉलर्स के साथ, इस विकेट में कोई हेल्प ही नहीं थी और ऊपर से ड्यू फैक्टर मेरे ख्याल से सिर्फ वो कराची के जो एक आधे मैच थे उसमें खाली बॉलर्स को आपने एक दो मैचों में 170-147 इस तरह रन बने, लेकिन पिंडी में तो मुझे लग रहा है अब ये हर मैच में 200 के करीब जाता है। बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था ये, वैसे भी T20 क्रिकेट में वाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट है इसमें बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें बैट्समैन की फेवर में है, ये तो ऑब्वियस नज़र आ रहा होता है हर जगह। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में 400 रन बन रहे हैं वनडे में, इंग्लैंड में हाईएस्ट स्कोर बना हुआ वनडे का 480 रन, फिर 445 भी वहीं बना हुआ है, तो ये क्रिकेट देखें ना सारी वाइट बॉल बॉलर्स के अगेंस्ट है, कोई वो बैलेंस नहीं है इसमें कोई। चलो जैसे पहले कोई क्रिकेट होती थी थोड़ा सा बाउंस होता था, कोई रिवर्स स्विंग हो जाता था, सर्कल का कोई चांस होता था, सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कमर्शलाइज क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये वाला मैच जो है ये फैंस के लिए और टीवी के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बॉलर्स के लिए एक नाइटमेयर था उनके लिए देखने ही आजकल। हाँ यही देखना चाहते हैं, नाइटमेयर था बॉलर्स को, तनकीद करना मेरे ख्याल सही नहीं है। नहीं नहीं, तनकीद आज हम थोड़ी अपनी रखेंगे बॉलर्स के लिए क्योंकि इट वाज बैटिंग पैराडाइज, तो बहुत सी चीज़ें उनके हाथ में नहीं थी। फिलहाल आप लोगों के हाथ में ये चीज़ है कि आप zameen.com की वेबसाइट पे जाके बहुत सारे फीचर्स जो हैं उनके पोर्टल पे उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। zameen.com की जो कामयाबी है उसने जो इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे हैं वो भी पाकिस्तानियों के लिए खोल दिए हैं। इसके अलावा जी एक्सपोज में उनके पास बहुत सारे विजिटर्स शिरकत करते हैं और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में उसको
बहुत सारा बूम मिला है जी zameen.com की तरफ से, और कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वी विल फर्दर अनपैक व्हाट हैपेंड टुडे और आगे के अब क्या चांसेस हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के और पेशावर ज़ल्मी के। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com। हर पता हमें पता है। आज के मैच के बारे में बहुत सारे बातें हमने की हैं, रिकॉर्ड्स भी बने हैं कई, और बैटिंग के हवाले से ये भी बात की, बॉलिंग के हवाले से आज थोड़ा हमने अपना जो हमारी तनकीद है या जो भी रिजर्वेशन है वो थोड़ी हमने ऑन द डाउन लो रखी है बिकॉज ऑफ द कंडीशन That weren't at all favorable for the bowlers. But अगर हम थोड़ा हट के अब बात करें कप्तानी पे, सरफराज अहमद जो है मलिक साहब आज नहीं थे इन एक्शन, उनकी जगह पे मोहम्मद नवाज़ ने कप्तानी की। पहले तो ये बताइए ये चेंज आपको कैसा लगा आज नवाज़ ने लीड किया साइड को? वो ये कैट चलता है टीवी पे, फ़र्क साफ जाहिर है। देखिए चेंज तो आपको नज़र आ गई है कि कप्तानी नवाज़ जीत गया तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको, मगर जो आज विकेट थी उस पर मेरा ख्याल क्रेडिट सिर्फ बैट्समैनों को ही जाता है ना, बॉलरों की विकेट बनाने वालों को जाता है। विकेट तो देखे वो वहाँ रात के टाइम विकेट वैसे ही बेहतर होती है। आस यूसुफ जैसे पहले कहते थे कि आखिरी पांच ओवर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बॉल सॉफ्ट हो जाती है। ये आप मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि मेरी फेवरेट नहीं है, मगर चूंकि रात को ड्यू फैक्टर होएगा इसलिए फेवर है मेरी टीम, वो मैं उसको कह रहा हूँ कि वो जीतेगी। मगर इतना नहीं पता था कि 240 पे वो 240 करवा देंगे, ये अजीब मतलब काम था। मगर कप्तानी देखें जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है गुड लक कह सकते हैं आप नवाज़ की, या बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गए, अदरवाइज़ कप्तानी तो कहीं नज़र नहीं आई। कप्तानी 240 आपने करवा दिया तो उसमें कप्तानी का तो कोई कमाल नहीं था। हाँ कप्तानी जो गलत हुई, जो आसिफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि जब आप कैप्टन होते हैं तो आप दायरे के अंदर फील्ड करते हैं ताकि जहाँ कोई गलत मिस्टेक हो आप जाके उसको समझाएं कि यार ये तुम गलत कर रहे हो। मिड ऑन मिड ऑफ पे कप्तान का कोई काम नहीं है। ये थोड़ा बाबर ने, अगर मैंने भी देखा आखिरी बॉल पे छक्का लगा तो मिड ऑफ पे खड़ा था, तो ये जो चीज़ें हैं ये कप्तान को सूट नहीं करती। आप पाकिस्तान बैटर तो उनका आज बड़ा अच्छा दिन गया। अच्छा ये आप लोग जो बात कर रहे हो आपकी राय है, लेकिन मैं चूंकि साथ रहा हूँ ना कि आखिर पे ये फील्डिंग पीछे ही करता है पाकिस्तान टीम में भी, तो यार फिर कप्तानी भी किसी दूसरे को दे देनी चाहिए। नहीं, नहीं, वो आप देखें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फील्डर अच्छा है ना तो पीछे नहीं, से नहीं, मगर यूसुफ वनडे में तो यार आपको कप्तान का ही रोल होता है ना। टी ट्वेंटी में तो आपने आगे फील्डर आगे कहाँ होते हैं, वैसे ही सर्कल पे होते हैं। नहीं ये तो वैसे सर्कल पे होते हैं, लेकिन ये है कि कोई नहीं नहीं ये आप जितना भी समझा लें इस विकेट पे मैं एग्री करता हूं, फिर भी कैप्टन बात करता है बॉलर से वो अपनी जगह है, लेकिन ये इस पे मैं एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल इमरान भाई को भी ले आते ना तो इमरान भी आगे ही करता था फील्डिंग, वो उस टाइम तो होती आगे देखा 240 आपने बोर्ड पे लगाया हुआ है, ठीक है आपके पास थोड़े इतनी बुरी बॉलिंग नहीं थी कि आप उसको डिफेंड ना करते। आप बाउंड्री पे फील्डिंग खड़ी हुई और एक दो दफा देखे डैरन समी उसके पास आया, बात की है, और डैरन समी वहाब राज के पास भी गया है उसको भी बता रहा था, मगर आप इतना डीप होके आपने एक बॉलर के साथ इस तरह को प्लान नहीं किया कि यार इसको कैसे आउट करना है, एक तरफ बॉलिंग करो या हम फील्डिंग ये सेट ले लेते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप कैप्टन का बॉलर के साथ बात करते हो, उसमें आप टोटली पूरे मैच में आप देखे पूर कैप्टेंसी हुई है, उसने कोई प्लान नहीं था, फिर खड़े देख रहे थे कि चौके छक्के लग रहे हैं, नहीं उनको कंट्रोल भी आपने करना था, तो आप कोई प्लान करते हो, वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लान ही नजर आया बाबर थ्रू आउट द 20 ओवर।
ये क्रिटिसिज्म नहीं है, मगर ये एक ये हकीकत है कि आपको कप्तान को देखें, आप उसको कवर करने के लिए तो हम जो मर्जी कहते रहे, मगर जो गलत है वो गलत है। लेकिन यूसुफ भाई कह रहे हैं कि वो इसी तरह इंटरनेशनल कवर उसको क्या करना, वो तो पाकिस्तान का कप्तान है, उसको हमने क्या कवर करना है। वो मसला ये है कि वो वैसे भी फील्डिंग पीछे करता है जब पाकिस्तान से मैच हो रहे होते हैं। यार जब आप कैप्टन होते हैं यूसुफ, ये तो यार ये उसको तो कम अज कम आगे होना चाहिए ना। सर कितने उधर तो आगे होते ही कोई नहीं, सारे सर्कल में होते हैं टीम। चलो सर्कल में तो आप समझा सकते हैं ना, बाउंड्री से फिर बाहर से किसी से कप्तान उतने ही फर्क होता है। अगर आप देखें एक्स्ट्रा कवर में ही खड़ा होना है ना, एक्स्ट्रा कवर में यार, अगर एक्स्ट्रा कवर में खड़ा होना है ना, आप मुझे बताएं यूसुफ मेरी बात सुन, ये तो वही बात है, एक्स्ट्रा कवर में कोई रोल ही नहीं होता, ये मिड ऑफ है और बॉलर कहाँ आ रहा होता है, नहीं ठीक बॉलर भी सर्कल पे आ रहा होता है, तो दोनों करीब ही एक ही जगह पे हैं। और उन्होंने स्ट्रेटजी टाइम जो था उसमें बात की होगी कि कहाँ बॉलिंग करनी कहाँ नहीं करनी। अब उधर तो बारिश हो रही है छक्कों चौकों की, पहली इनिंग में कभी कभी नहीं आपके फेवर में चीजें होती हैं। आप चीजें अगर आज का मैच वो जीतते, जब बार पड़ रही होती है तो आप क्या मैच के बाद जाके समझाएंगे, आप उसी वक्त बॉलर को जाके बताएंगे ना कि यार मेरे ख्याल में ये करो, यहाँ गलती हो रही है। ये तो फिर यार टीम नवाज की कप्तानी भी ठीक नहीं थी। मैं तो कप्तानी पे तो आज बात हो रही है, मैं तो बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान, देखें आप गलत साइड पे लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, लेकिन अगर आप जो चीज गलत है उसको गलत नहीं कह रहे, बहरहाल वो आप कहाँ चिट्टा है तो फिर कहाँ चिट्टा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात हो रही है, वैसे डिस्कशन हो रही है ना इसमें, कि मैंने तो देखा हुआ है। लेकिन अगर आज जलमी जीत जाते तो शायद, तो तब क्या आप ये बात कर रहे होते? 100% कर रहे होते। नहीं देखे कप्तान, देखे जीतने से बहुत सारी चीजें छुपती हैं, मगर मैं ये देखें कोई भी कप्तान हो, मैं बाबर की बात नहीं कर रहा, कोई भी कप्तान हो जी, आप कैप्टन को देखिएगा, किसी भी कैप्टन को, अभी आगे मैच होने आप देखिएगा, मोस्टली देखें कप्तान का काम ही ये होता है ना कि अपने बॉलर को जाके समझाना, वो आगे ही फील्ड करेगा, वो पीछे कभी भी नहीं करेगा। कुछ ऐड करें इस पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं देखें बाबर आजम बैटिंग के ऊपर नो डाउट उसने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर इस मैच में उसकी जो पूर कैप्टेंसी उस पे बात कर रहे हैं हम, उसको तंकीद नहीं कर रहे। इतना बड़ा टोटल आप डिफेंड कर सकते थे, आप कोई स्ट्रेटेजी के पास नहीं गए, जैसा कि सलीम भाई कह रहे हैं कि उसको उधर खड़ा होना चाहिए ना, वो समटाइम बॉलर फंसा होता, नो डाउट बैटिंग ट्रैक था कि उसको जाके बताता कि यार ये 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 चीज कर सकते हो, ये स्लोर रन कर सकते हो, आपने मिस बताया ना, आपने एक भी उसकी जगह पे बॉलिंग एक्चुअली देखे, आज विकेट बहुत अच्छा था उसकी, उसकी कप्तानी पे, मैं उसकी कप्तानी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कप्तान को आगे होना चाहिए था, फील्डिंग उसकी करीब होती है बॉलर्स के, उसकी कप्तान आज तो विकेट ही ऐसा था हर एक को मार चले। अभी मगर आज की जीत के बाद जो है ग्लैडिएटर्स की भी काफी जो गलतियां उन्होंने आज के मैच में की, नो डाउट वो भी छुप जाएंगी। वही होता है कि आप जब जीतते हैं तो बहुत सी आपकी वीकनेसेस कवर अप हो जाती हैं। फिलहाल आज का मैच तो जी हिस्टोरिक रहा, हमेशा याद रखेंगे। बॉलर्स जो है वो शायद भूलने की कोशिश करेंगे वो जरूर, लेकिन बैटर्स जो है खास तौर पर जेसन रॉय एंड बाबर आजम, द टू बैटर्स विद हंड्रेड्स टुनाइट, वो हमेशा याद रखेंगे। अब कल का मैच जो है ये तो मैं नहीं कहूंगी कि बड़ा ज़रूरी मैच है, क्योंकि लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच तकरीबन एक तरह से डेड रबर ही है, क्योंकि दोनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन जो है देखना होगा कि कैसे रहती है उनकी प्रैक्टिस, बिकॉज प्लेऑफ से पहले जो है वो अपना थोड़ा थोड़े कॉम्बिनेशन अपने करेंगे। लेकिन वैसे भी देखने में मज़ा आएगा, कलंदर्स वर्सेज यूनाइटेड। जेंटलमैन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन, और हम कल